नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेरेस गार्डन में। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि ये वीडियो सभी तक पहुंचे। आज हम बात करेंगे अपनी बालकनी में टेरेस के गमलों में पौधों के लिए ऑल इन वन खाद कैसे बनाएं, जो कि हमारे पौधों को सभी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स अच्छी मात्रा में दे सकें। इसके लिए कुछ चीज़ें हमें चाहिए होंगी जो हम आपको दिखाते हैं। बोन मील पाउडर आप मार्केट से ले सकते हैं, जो हड्डियों के चूरे से बनाई जाती है। नीम खली पाउडर, जो नीम के बीज का तेल निकालने के बाद बचे हुए चीज़ों से बनती है। एप्सम सॉल्ट, जो कि नमक का ही एक स्वरूप होता है, हमारे पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। गाय का गोबर या वर्मी कंपोस्ट, और ये अनार, केला, संतरा का छिलका, जिसे हम सुखा लेते हैं, सुखाने के बाद इसे मिक्सी में पीस लेते हैं। और आखिरी सरसों की खली, जिसे हम मिक्सी में पीस बारीक कर लेते हैं, पाउडर बना लेते हैं, और इन सबको आपस में मिक्स करके बना लेते हैं। जो ये हमारा फलों का छिलका होता है, इन्हें सुखा के इन्हें बारीक पीस लेने से जो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें भरपूर मात्रा में मिल जाते हैं। अब इन्हें हम एक बड़े टब में बराबर मात्रा में 50% के आसपास पाउडर कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, बाकी आप 15-20% में नीम सरसों की खली और सूखे हुए फलों के छिलके, जिन्हें कि हमने मिक्सी में प्रेस कर रखा है, पीस रखा है, आप देख सकते हैं 15-20% हम इनको मिलाएंगे, 50% पाउडर कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, उसके बाद बोन मील पाउडर 10% बोन मील पाउडर, और 5% एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, एप्सम सॉल्ट की मात्रा कम रहेगी कि चीज़ें कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती हैं तो नुकसान भी पहुंचाती हैं। नीम खली हमें डालना है, 10-15% नीम खली भी पड़ेगी। नीम खली एंटी फंगल का भी काम करती है और पौधों को न्यूट्रिएंट्स भी देती है, इससे चींटियाँ दूर रहती हैं और जो मिट्टी में कीड़े मकोड़े लगते हैं वो भी नीम खली से दूर रहते हैं। तो हम नीम खली डाल देंगे, बोन मील पाउडर। दोस्तों, छत पे होने की वजह से हवा तेज़ चल रही है तो वीडियो में आवाज़ बहुत ज़्यादा। दोस्तों, बोन मील पाउडर भी हम इसमें मिला देंगे पूरी तरह से। एक बार फिर से दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो हम इसे सब एक में डाल के मिक्स कर लेंगे, एक में इकट्ठा करके, और इसको अच्छे से मिक्स करना है। सारी आपस में, सारे खाद आपस में बहुत अच्छे से मिल जाएं, इन्हें हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स कर लेने के बाद इन्हें हमें पौधों में 15-20 दिन में एक बार एक मुट्ठी, छोटे गमलों में, छोटे ग्रो बैग्स में एक मुट्ठी, और बड़े ग्रो बैग्स में, बड़े गमलों में साइज़ के हिसाब से 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी, जैसी भी गमलों की साइज़ हो आपकी ग्रो बैग्स की, उस हिसाब से हम उसमें डालेंगे। इससे पहले इसे बहुत अच्छे से मिलाना है, आप दोनों हाथों से इसे देख रहे हैं, अच्छे से इस तरह से मिला लीजिए। मिला लेने के बाद इसे गमलों में डाल के उसकी हल्की गुड़ाई करके, या तो आप पहले गमलों की हल्की गुड़ाई कर लें मिट्टी की, और उसके ऊपर से इसे 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी गमलों की साइज़ के हिसाब से डाल के उसे बढ़िया से मिला दें, और मिलाने के बाद उसमें पानी डाल दें, या फिर पहले आप खाद डाल के उसको हल्के हाथों से ऊपर की मिट्टी को सिर्फ हल्की गुड़ाई कर दें, और गुड़ाई करने के बाद पानी डाल दें। पानी इसलिए ज़रूर डालना है क्योंकि ऊपर ऊपर ही सिर्फ अगर खाद रह जाती है तो वो फ़ायदा नहीं पहुंचाती है आपको, पौधों को, जड़ों को न्यूट्रिएंट्स मिल नहीं पाता है। तो पानी गुड़ाई करने के बाद जब आप पानी देंगे तो खाद नीचे तक जाएगी,
खाद से जो पानी से पानी में खाद घुलेगी तो जो लिक्विड है वो नीचे तक जाएगी और पौधों को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा, तो आपके पौधों को जो फ़ायदा पहुंचाएगी। देखिए आप सभी को मैं दिखाता हूँ कि मैंने मिक्स कर लिया इसे और अब इसे मैं पौधों में डालूँगा। ये मेरा टमाटर का पौधा है, इसमें मैं इसे हल्का ऊपर से, ये मेरा 12x12 का ग्रो बैग है, इसमें मैं एक मुट्ठी या एक मुट्ठी से थोड़ा ज़्यादा डाल के मैं इसे हल्के हाथों से मिट्टी को ऊपर से हल्के हाथों से गुलाई कर दूँगा, भुरभुरी कर दूँगा और भुरभुरी करने के बाद इसमें हम पानी डालेंगे जिससे कि हमारे पौधों की उपज अच्छी हो, पौधों में ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें। चूँकि ये हम गमलों में लगा रहे हैं, टेरेस पर लगा रहे हैं, तो मिट्टी हमारी हमेशा उपजाऊ नहीं रह जाती है, तो बहुत ज़रूरी होता है इसमें सभी तरह की खाद डालना। इसलिए ऑल इन वन खाद एक में बना लेते हैं और उसको डालते हैं तो सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स, ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स पौधों को मिलते रहते हैं। इस प्रकार दोस्तों इसमें डालने के बाद हम इसकी गुड़ाई कर दिए हैं और गुड़ाई करने के बाद अब इसमें पानी डाल देंगे जिससे कि खाद इसका नीचे जड़ों तक पहुँच जाए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अगर मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना हो सके इस वीडियो को आगे बढ़ाएं ताकि जो लोग अभी नया नया टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं वो इससे कुछ सीखें और अच्छी उपज प्राप्त करें। धन्यवाद।